दीबा पाटिल नईमबई एयरपोर्ट नामांतरण सर्वपक्षीय कृति समिति भूमिपुत्रों को न्याय और अधिकार दिलाने और उनके मुद्दों के समाधान के लिए आक्रामक हो गई है। पनवेल उरन में समाधान बैठक के बाद अब 18 मई को नईमबई में एक विशाल बैठक की तैयारी है जो इसका बड़ा संकेत है। बैठक में सर्वपक्षीय समिति के वरिष्ठ नेता भूमिपुत्रों से सीधे संवाद साधने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। नवीमबई के भूमिपुत्रों ने अपने मुद्दों के समाधान के लिए आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। 24 जून को राज्य सरकार के खिलाफ विशाल जन आंदोलन की तैयारी है। जी हां, नवीमबई दीबा पाटिल एयरपोर्ट सर्वपक्षीय नामांतरण कृति समिति के मार्गदर्शन में गठित नवीमबई महानगर पालिका क्षेत्र समन्वय समिति ने 18 जून को संवाद बैठक का आयोजन किया है, जहां 29 गांवों के समन्वयक, लोक प्रतिनिधि और प्रकल्पग्रस्त संगठनों के नेता मौजूद रहेंगे और भूमिपुत्रों से सीधे संवाद करेंगे। तो इस औद्योगिकरण में यहाँ के जो भूमिपुत्र है, सिर्फ अग्रिकोलीकरण ही नहीं, वहाँ के SC ST भी है, आदिवासी भी है, OBC है, मराठा समाज है, सवर्ण है, अवर्ण है, सब सारे यहाँ के भूमिपुत्र है। वैसे यहाँ की जो जन्म भूमिपुत्र है और कर्म भूमिपुत्र है, एक तो भूमिपुत्र है, एक जन्म भूमिपुत्र है और एक कर्म भूमिपुत्र है। ये तीनों का भी समस्या है। सबकी जो जमीन है, जमीन के ऊपर या इंडस्ट्रीज बनी है और औद्योगिक जोन बना है और उनके बहुत सारे सवाल, उनके बहुत सारे प्रश्न, समस्या ऐसे कि वो सामने नहीं आ रहा है। ये जो नामकरण जो आंदोलन है उसके साथ साथ जो बाकी जो समस्या है चार जिले के, फिर नई मुंबई कॉरपोरेशन हो, फिर पनवेल हो, उरन हो, पनवेल हो, थाना हो, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार, पालघर हो, मुंबई उपनगर, कल्याण डोंबिवली, ये सारे बहुत सारे जो क्षेत्र है, क्षेत्र के बहुत सारे सवाल है। ये भी जो समस्या है, ये भी सवाल है, ये भी हमारे मांग है, ये कभी दब नहीं जाए। संवाद सभा में वर्षों से लंबित भूमिपुत्रों के मुद्दों का समाधान, जमीन हक लागू करने, 25 फरवरी को जारी GR में सुधार करने और नवीमबई में चल रहे विकास उपक्रमों में भूमिपुत्रों को अनिवार्य रूप से काम और रोजगार देने जैसे कई अहम मुद्दों पर रणनीति बनाने की तैयारी है। सांकेतिक तौर पर वासी के भूमिपुत्रों ने मेघदूत सिनेमा हॉल के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए न्याय अधिकार आंदोलन को पहले ही छेड़ दिया है। माना जा रहा है कि 24 जून के जन आंदोलन के बाद हर गांव, हर शहर में ऐसा आंदोलन शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।